मैं डॉक्टर प्रियंका मारू, कंसल्टेंट प्राइम आईवीएफ सेंटर। आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर कि आप अपने आईवीएफ फेलियर से कैसे बचें, हाउ टू प्रिवेंट आईवीएफ फेलियर। हम सब जानते हैं कि आईवीएफ सक्सेस होने के लिए एक अच्छा एम्ब्रियो और यूट्रस की अच्छी लाइनिंग होना ज़रूरी है। अच्छा एम्ब्रियो होने के लिए एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छा होना ज़रूरी है। एग और स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा दी गई क्वालिटी की जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें बराबर समय से लें, फुल बैलेंस डाइट लें जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी हो, और साथ ही साथ पेल्विक एक्सरसाइजेस करें जिससे कि आपके ऑर्गन्स के अराउंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और आपकी क्वालिटी ऑफ एग्स इम्प्रूव हो। अब एम्ब्रियो क्वालिटी और यूट्रस की लाइनिंग के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिनके लिए हम अगर ध्यान रखें तो आप आईवीएफ फेलियर से बच सकते हैं, आपके आईवीएफ का सक्सेस होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर सबसे ज़रूरी पॉइंट है, स्ट्रेस ना लें, रिलैक्स रहें। कई मरीज़ बार बार यूपीटी टेस्ट करते रहते हैं और इस बात की टेंशन लेते रहते हैं कि उनका रिजल्ट क्या होगा। अब आपका एम्ब्रियो डल चुका है, यूट्रस की लाइनिंग जो थी वो अच्छी थी, उसी के बाद आपके डॉक्टर ने एम्ब्रियो डाला है। आप केवल 15 दिन का वेट कीजिए और अपने बीटा एचसीजी के रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। उसी के वजह से आपको पता चलेगा कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। बार बार यूपीटी टेस्ट ना करें। आपको फुल बैलेंस डाइट लेनी है और उसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, क्योंकि इसके साथ में आपको कई बार ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो होती है वो स्लो हो जाती है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्लो होने की वजह से आप एक बारी में अगर भारी खाना खाते हैं, एक बात में पेट भर के खाना खाते हैं, तो फिर आपका खाना जो है आपको पचने में थोड़ी सी समस्या आएगी। इसीलिए आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहिए। आपकी दवाइयाँ समय से लेना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शन, सपोजिट्रीज और कुछ जेल्स भी दिए जाते हैं। इन सभी का आपके इम्प्लांटेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये आपके एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने और इम्प्लांटेड रहने में काफ़ी मदद करते हैं। आपकी दवाइयों को समय पे लेना ज़रूरी है। आईवीएफ के प्रोसेस में समय का इसलिए इतना महत्व है क्योंकि हार्मोन का लेवल अगर ड्रॉप हो गया तो आपको बीच में स्पॉटिंग या क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। तो आपको जो दवाइयाँ जिस समय पर दी गई है आप उनको बराबर टाइम से लें। इसके अलावा जो हमें ध्यान रखना है वो है कि आप इन्फेक्शन से दूर रहें। किसी को भी खांसी, जुकाम, सर्दी है उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर आपको खांसी, जुकाम या सर्दी हुआ तो वो आपके इम्प्लांटेशन में परेशानी कर सकता है। बाहर का खाना खाने से पेट खराब होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जंक फूड वैसे भी आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी खराब करता है और अदरवाइज भी बाहर का खाना जो होता है वो आपके पेट को ख़राब करता है, इन्फेक्शन होता है और वो आपके इम्प्लांटेशन में परेशानी कर सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद में जो आपने ब्लैडर फुल कर रखा है उसको आप एक से दो बार या और बार भी जाके अपना ब्लैडर खाली करें, और आगे 15 दिनों तक भी अपना ब्लैडर बार बार खाली करते रहें, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक आप यूरिन होल्ड करेंगे तो यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन में परेशानी होती है। अगला पॉइंट, नींद की कितनी इम्पॉर्टेंस है ये हम जानते हैं। अगर कोई मरीज़ 7 से 8 घंटे की रात की नींद लेते हैं और दिन में भी 1 से 2 घंटे का आराम करते हैं तो ऐसे मरीज़ों में इम्प्लांटेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन मरीज़ों को काम के कारण, स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती हो तो वो कोशिश करें कि मेडिटेशन, योगा, इन सब के बाद में अपना दिमाग शांत रख के नींद लेने की कोशिश करें, क्योंकि नींद का बहुत ज़्यादा रोल है इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने में। अगला पॉइंट है केमिकल्स। हमारे घर में ऐसे कई केमिकल्स होते हैं जैसे कि नेल पॉलिश, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, स्टेन रेजिस्टेंस वाले जो केमिकल्स होते हैं, इन सब से दूर रहें, क्योंकि ये फ्यूम्स के तौर पे आपके अंदर जाते हैं और इम्प्लांटेशन में परेशानी करते हैं, इम्प्लांटेशन के सक्सेस को कम करते हैं। अगला पॉइंट है बॉडी हीटिंग। कई लोगों को सोना, हॉट बाथ या बॉडी हीटिंग के दौरान अपने आप को रिलैक्स करने की आदत होती है। किसी भी तरीके के बॉडी हीटिंग के प्रोसेस से दूर रहें, क्योंकि बॉडी हीटिंग आपकी इम्प्लांटेशन के सक्सेस को काफ़ी कम करती है। आपकी ईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी सवाल हो जिनको आप जानना चाहते हैं, आप अपने ईटी के लिए कुछ और एडवाइसेस चाहते हैं, तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। प्राइम आईवीएफ सेंटर आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है।